أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Students, are you present there? Yes. Yes, we are present. Everything is fine? Yes. Today our topic is Rutherford Atomic Model. आज हम लोग Rutherford Atomic Model पढ़ेंगे. Class 9th का ये topic है. और इसमें हम लोग देखते हैं कि Rutherford ने कैसे experiment किया, discovery of जो nucleus थी वो कैसे हुई. उसके बारे में हम लोग detail study करेंगे आज. और आज आपको पता चलेगा कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट हुआ और कैसे ये स्टडी हुई. रदरफोर्ड बेसिकली एक साइंटिस्ट था जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और उस पे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट को देख के उसको पता चल रहा था कि ये चीजें क्या हो रही हैं. एटम बेसिकली बहुत छोटा पार्टिकल है और उसको आज तक किसी ने देखा नहीं है. इसी उसको ऑब्जर्व किया गया है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उसको अंदाजा लगाया गया है कि ये एटम किस तरह का होगा, इसमें क्या क्या चीजें हैं. तो वो एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उसमें देखा गया है कि क्या क्या चीजें होंगी और किस तरह होंगी. एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक ब्रिलियम रिसोर्स लिया, लेड बॉक्स है ये, इसके अंदर उसने एक ब्रिलियम का रिसोर्स लिया और उससे उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करवाए. अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये जो है ना अल्फा पार्टिकल्स हैं. अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जब इसमें से रिमूव कर देते हैं तो उस वक्त जो चार्ज आता है हीलियम. हीलियम बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो एटॉमिक नंबर है, यानी इसके अंदर दो प्रोटॉन होते हैं और इसके इर्द गिर्द दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो जब इसके अंदर से हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, यानी दोनों नेगेटिव चार्ज निकाल देते हैं, तो इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आता है. तो अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं जिसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है. तो उसने क्या किया कि उसने एक बम्बार्ड किया, एक बौछार की इसकी पार्टिकल्स की एक गोल्ड फॉइल के ऊपर. ये बहुत बारीक सी एक गोल्ड फॉइल थी, उसने एक बौछार की इसकी पार्टिकल्स की, अल्फा पार्टिकल्स की, और इसके इर्द गिर्द देखें उसने स्क्रीन लगाई. ये एक राउंड स्क्रीन है बेसिकली. इस फॉइल को रखा इसलिए गया है कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलें, अब वो इस स्क्रीन से टकराएं, गोल्ड फॉइल से टकराएं, और गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद उसको देखा जाए कि ये पार्टिकल्स का बिहेवियर क्या है, ये कहाँ कहाँ जा के टकरा रहे हैं. तो जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल्स, आप ये देखें ये एक स्ट्रक्चर है कि जिसमें देखें नजर आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये इसके अंदर, इस फॉइल के अंदर. अब एस अटेंशन प्लीज. तो अब ये देखें कि ये बहुत पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं. डिफ्लेक्शन कैसे शो कर रहे हैं, ये देखें बहुत सारे पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स इस साइड पे जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स इस साइड पे जा रहे हैं. फर्दर अगर आप देखते हैं तो आपको मजीद क्लैरिटी होगी कि ये पार्टिकल्स क्यों डिफ्लेक्ट कर रहे हैं. अब देखें होता क्या है, ये एक एटम का स्ट्रक्चर है. एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस खाली होती है, इस वजह से क्या होता है कि पार्टिकल्स मोस्टली इसमें से स्ट्रेट गुजर जाते हैं. देखें अब आप एक हॉल में से मूव कर रहे हैं, जब आप हॉल में से मूव करेंगे तो आप बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर जाएंगे, क्योंकि हॉल में हॉल ओपन होता है, आप किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं ओपनली. तो बेसिकली ये एक हॉल है, यहाँ से भी जो भी चीज आएगी यहाँ पे मूव कर जाएगी स्ट्रेटली. तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत सारे बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, कोई डाइवर्जन उसमें नहीं है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स खास एंगल के ऊपर डाइवर्ट हो रहे हैं. और वो जो खास एंगल के ऊपर डाइवर्ट हो रहे हैं वो उसने जब देखे तो उसने ऑब्जर्व किया कि एटम के बिल्कुल सेंटर में कुछ ऐसी चीज है जिस जो बहुत मतलब उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, और वो बहुत हैवी चीज है जिसकी वजह से ये डबलली पॉजिटिव चार्ज जो हीलियम है ये मूव कर रहा है. अब देखें टकरा के किधर किधर हो, ये देखें ये टकरा के इधर चला गया, ये टकरा के इधर चला गया, ये टकरा रहे हैं, ये दरमियान में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जिसके से एटम टकरा के मूव कर रहा है. तो उसने इस दरमियान में जो प्रेजेंट चीज है एटम के, उसको उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुई हुई था, न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ था, उसने देखा कि ये जो डिफ्लेक्शन शो हो रही हैं, अब ये लार्ज डिफ्लेक्शन है, ये माइल्ड डिफ्लेक्शन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है. उसने देखा ये जो दरमियान में जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है वो किसी न किसी एंगल के ऊपर डाइवर्ट हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है. तो उसने कहा एटम के दरमियान में कोई ऐसी हैवी पार्टिकल मौजूद है जिसका नाम उसने डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट जो है ना एंगल्स के ऊपर मूव कर रहे हैं. और उस पार्टिकल का उसने जो चार्ज बताया वो बताया, क्या चार्ज बताया उसने, उसने बताया कि उसको पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर. अब देखिए अगर आप गौर करें, अगर आप गौर करें तो उसने उसको किस तरह पता चला कि ये एटम के मिड में है.
ये जो हैवी पार्टिकल है जो एटम के अंदर मौजूद है ये मिड में, उसको किस तरह पता चला? उसको ऐसे पता चला कि उसने देखा कि जो बिल्कुल एटम दरमियान में मूव कर रहा है, अब इस रेड लाइन को आप देखें कि बिल्कुल एटम जो दरमियान में मूव कर रहा है एटम के बिल्कुल मिड से, ये टकरा के बाउंस बैक हो रहा है। अभी आपको दिखाएंगे, ये देखें एक और एटम आएगा वो बिल्कुल बाउंस बैक करेगा, ये देखें ये बिल्कुल बाउंस बैक किया है इसने। अब इस एटम ने बाउंस बैक किया है, इसका मतलब यह है कि एक ऐसी चीज से जिसे डायरेक्ट जाके ये टकराया और टकरा के बिल्कुल बाउंस बैक किया, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई हैवी चीज है। अब इस ये जो हैवी चीज है इसके दरमियान में, उसको उसने नाम दिया कि न्यूक्लियस का है। इसमें आप बुक में शो कर सकते हैं, बुक में देख सकते हैं कि ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, इसके रिजल्ट्स, इसके डिफेक्ट्स, इसके एवरीथिंग। अब ये भी जो पिक्चर शो कर रही है ये भी यही चीज शो कर रही है जो आपको मैंने एनिमेशन के अंदर दिखाई थी, 3D एनिमेशन के अंदर, कि रदरफोर्ड ने इस तरह एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि एटम का मॉडल क्या है। तो उसने बताया था कि एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस जो है एम्प्टी है, लेकिन इसके दरमियान में कोई हाईली पॉजिटिव चार्ज एटम पार्टिकल मौजूद है जिसने सारे का सारा एटम का मास उठाया हुआ है, यानी सारे के सारा मास उस पार्टिकल के अंदर है। उस पार्टिकल का नाम उसने क्या दिया था? न्यूक्लियस दिया था। एवरीथिंग इज क्लियर? यस। कोई क्वेश्चन है यहां तक आप लोगों के पास? एनी क्वेश्चन? क्लियर सर, क्लियर। अवेस, एनी क्वेश्चन? नो, थैंक यू।